आज 14 जून 2024 बाप दादा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। ये याद ही मन मना भव है, ये याद ही मन मना भव है। क्या है इस याद में, क्या है इस याद में, ये मन मना भव कैसे हो गया? दुनिया में भी सब भगवान को याद करते हैं अपने अपने हिसाब से, हमारा याद करने का तरीका बिल्कुल अलग है। दुनिया में क्या करते हैं, भगवान को याद करेंगे, मंदिर जाएंगे या कोठरी में बैठेंगे, एक पॉइंट लगा लेंगे, कंसंट्रेट करेंगे उस पर, या श्वास चल रहे हैं, आ रिया श्वास, जा रिया श्वास, उस पर कंसंट्रेट करेंगे। अलग अलग मेथड सबके हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के, भगवान को याद करने के। हमारा ज्ञान मार्ग का अलग ही सुंदर सा तरीका है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भगवान को याद करते हैं उससे रिलेशन बना करके, हमारा संबंध क्या, उस संबंध की मिठास जब तक ना आए वो योग लगता ही नहीं है। सबसे ब्यूटी यहाँ पर है, वही आज बाबा ने कहा निरंतर अंतर ना पड़े, कि हमारा बाप भी है, कभी टीचर के रूप में, कभी सतगुरु के रूप में, कभी प्रीतम के रूप में, कोई ना कोई संबंध बना करके उसे याद करो। अगर संबंध बना रहे हो, उस संबंध में मिठास आ रही है, तो ये याद ही मन मना भव है। प्रश्न है, माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? माया की धूल, दुनिया की धूल मिट्टी पड़ जाए आंखों में पड़ जाएगा, दिख जाता है कि धूल पड़ी है, मिट्टी जड़ पड़ गई है। पर माया की धूल कैसे पता चलता है? सुनो, उत्तर है माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते। नाराजगी किसी देहधारी से है, छोड़ देते हैं विदेही बाबा को। भगवान पढ़ाते हैं उस समय ये भूल जाता है, और बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा कहते ये भी वंडर है, बात किसी से हुई है, प्रॉब्लम कोई है, छोड़ दिया बाबा की पढ़ाई। नहीं तो क्यों पढ़ाई पढ़नी है, भागे भागे क्यों आते मुरली सुनने के लिए? नहीं तो ये नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहें। रोज क्लास करता है, अमृत वेला करता है, उसका चेहरा हमेशा खुशी में रहता है। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। क्या है माया का प्रभाव? माया किसी को ब्लेम करने वाली बात है, माया क्या करेगी, माया क्या है, अपनी ही कमी कमजोरियां, अपनी ही ईगो, है ना, अपना ही बॉडी कॉन्शियस जो आपको डिस्टर्ब करता है, उसका प्रभाव आपको डिस्टर्ब करता है। और क्या करता है, वो पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। फिर बच्चे क्या कहते हैं, हमने मुरली तो पढ़ी थी, सार तो पढ़ा ही था, नेट पे पढ़ी ली थी। और बाबा कहते हैं पढ़ाई किसकी पढ़ाई है, कौन पढ़ा रहा है, किसका स्कूल है? पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए, सुना, पढ़ाई छोड़ी एब्सेंट हुए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, इन स्थूल आँखों से जो कुछ दिखाई देता है
क्या करना है उसको, उनसे ममत्व मिटाना है। तो क्या करना है, कैसे ममत्व मिटेगा, एक बाप को ही देखना है और वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छींची शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान ना जाए। दूसरा, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वही अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। बस मुरली के बगैर कुछ अच्छा लग रहा है जी, वही पढ़ो, मंथन करो, दूसरों को सुनाओ, और पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, क्लास कभी मिस नहीं करनी है। सुना वरदान, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। कौन है आजम? प्रयोगी आत्मा, ये नहीं हम तो योगी हैं योग में बैठे हुए, नहीं, योग करो और उसका प्रैक्टिकल करो, प्रयोग करो। कैसे पता चलता प्रयोग का, आपको क्या जो भी काम करोगे उसमें सहज सफलता मिल जाएगी, इनमें योग आपका ठीक है। कब कैसे करना है, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा। शांति शक्ति क्या है, आध्यात्मिक शक्ति, सात गुणों की शक्ति, उसका प्रयोग एक एक गुण में टिको, उसका प्रयोग करो, फिर देखो हम सारे कार्य में सफलता सहज मिल गई, मिली सहज सफलता, तो क्या बन गए, प्रयोगी आत्मा। दोबारा बोलता हूँ, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो, जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे ही शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उनमें श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो, जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जगा देती है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना प्योर फीलिंग्स औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। अगर आपकी प्योर फीलिंग्स हैं वो वाइब्रेशन जाएंगी दूसरे तक पहुंच जाएगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ करना क्या है, प्रयोग करके तो देखो, योग करो फिर प्रयोग करो, देखो कितना सहज सफलता मिलती है। करना क्या है, स्लोगन, सर्व का प्यारा बनना है, सब आपको प्यार करें, क्या चाहिए उसके लिए, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। एक एक बात पे छोटी बात पे मुरझा जाते हैं, है ना, मुरझाना नहीं है, खिले हुए रूहानी गुलाब बनना है, ये है सर्व का प्यारा बनना। ओम शांति।